वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। महाराष्ट्र विधानसभा का जो निवडणूक कार्यक्रम है वो आज 21 सितंबर को भारत निवडणूक आयोग द्वारा घोषित किया गया है। उसके अनुसार 27 सितंबर को नोटिफिकेशन पब्लिश होने वाला है, तब से नॉमिनेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जाएंगे। 4 अक्टूबर तक ये नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को उसकी स्क्रूटिनी होगी। 7 अक्टूबर जो है विड्रॉल की लास्ट डेट रहेगी। इलेक्शन की जो डेट है वो 21 अक्टूबर रहेगी और 24 अक्टूबर को जो है अपने पूरे महाराष्ट्र में इंक्लूडिंग औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इसमें काउंटिंग होगा। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 9 असेंबली कंस्टिट्युएंसी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। 104 सिल्लोड, 105 कन्नड़, 106 फुलंबरी, 107 औरंगाबाद सेंट्रल, 108 औरंगाबाद वेस्ट, 109 औरंगाबाद ईस्ट, 110 पैठण, 111 गंगापुर और 112 वैजापुर, ऐसे 9 असेंबली सेगमेंट्स अपने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इन 9 सेगमेंट्स को मिला के 3024 पोलिंग स्टेशन अपने यहाँ पे है। इन सभी पोलिंग स्टेशन के ऊपर पर्याप्त साधन सामग्री ईवीएम वीवीपैट हमारे पास उपलब्ध है। सभी ऑफिसर्स हमारे यहाँ पे ट्रेंड है, उपलब्ध है। आवश्यकता के हिसाब से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मतदान करने के लिए 16,000 कर्मचारियों की आवश्यकता है। ये सभी 16,000 कर्मचारी हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा इस मतदान में 28,49,755 इतने वोटर 31 अगस्त 2019 की मतदार यादी के अनुसार रजिस्टर्ड है। इनमें कुछ छोटी सी बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये सभी मतदान विधानसभा में अपना अपना हक ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को एपिक कार्ड नहीं मिला है, अगर मतदार यादी के संबंधी कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो 1950 ये टोल फ्री क्रमांक है, 1950 इस टोल फ्री क्रमांक के ऊपर आप अपना समस्या या शंका जो है वो यहाँ पे अपना रिड्रेस कर सकते हैं। सर, लिस्ट में समावेश करने की आखिरी अंतिम तारीख क्या है? मतदान यादी में समावेश करने के लिए जो अपनी लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन थे 4 अक्टूबर, उसके 10 दिन पहले तक आप अपना मतदार यादी में समावेश कर सकते हैं। लेकिन मेरा सब मतदाताओं से अनुरोध रहेगा कि उसकी वेट ना करते हुए अगर किसी का नहीं है तो आज ही हम जल्द से जल्द वहां पे जाए, क्योंकि अगर आपका डेट अगर एक्सीड हो जाता है और अगर आप लेट आते हैं तो आपको इस विधानसभा में आपको मतदान करने का अवसर शायद। सर, कुछ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी दी गई है दिल्ली में, तो क्या था इसमें? जो निवडणूक निर्णय अधिकारी, जो रिटर्निंग ऑफिसर हम बोलते हैं, इन सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई है। इसमें लोकसभा के निवडणूक में जो भी इश्यूज थे उस इश्यूज को कैसे क्लियर किया जाए, इसके अलावा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे इलेक्शन प्रोसेस करवाई जाए, इस तरीके से सीधे दिल्ली में इन सब लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और उनके तरीके से फिर अपने जो अदर ऑफिसर थे उनको अभी ट्रेनिंग दी जाने वाली है। इलेक्शंस का ऐलान हुआ है, उसके बैकग्राउंड पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जो भी प्लानिंग होनी चाहिए, जो भी फोर्स डिप्लॉयमेंट लगेगी, जो भी व्हीकल्स लगेंगे, वायरलेस सेट्स या कम्युनिकेशन प्लान्स लगेंगे, वो सब हमारा प्लानिंग हो गया है। पिछले टाइम की जैसे इस टाइम भी हमको अच्छे पैमाने पर फोर्स मिलेगी। हमारे पास CATF की लगभग 4 से 5 कंपनियां मिलने की संभावना है। उनके साथ, होमगार्ड्स के साथ और लोकल पुलिस के साथ ये इलेक्शन बहुत ही फ्री एंड फेयर तरीके से होगा। इस तरीके का हमारा एफर्ट रहेगा। अब तक जो भी बदमाश लोग थे या जिनके ऊपर पहले से केसेस दाखिल थे, उन लोगों के ऊपर कोर्ट ने उनको कन्विक्शन दिया है, उन लोगों को पनिशमेंट उस चीज़ की हो गई है, उनके ऊपर हम कड़ी से कड़ी प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे और सबके साथ मिलके ये इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ऐसी कोशिश हमारी होगी। मैम, कितने ज़्यादा नाकेबंदी वो लगाई जाएंगी बॉर्डर पर? हमारे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे लगभग 9 से 10 जगह पे नाकेबंदी लगेगी। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्लाइंग स्क्वाड्स, उसके अलावा SST मतलब स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, उसके अलावा वीडियो सर्वेलेंस टीम्स ये लगेगी। उसके अलावा हमारा खुद का ऐसा स्क्वाड होगा जो हर जगह पे जाके देखता रहेगा कि जो भी वोटर्स है उनको प्रलोभन दिखाने के लिए या उनको
मिसलीड करने के लिए कोई बड़े पैमाने पे गलत चीज ना करे।